आज मैं एक बार फिर तुम्हारे पास इल्तिजा लेकर आई हूं जमाल। जी भाजी बोलिए, क्या बात है? आप इतने सालों के बाद आई हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपकी जो भी इल्तिजा होगी ना, मुझे कबूल है। बात तो वही है जो सालों पहले हो चुकी है, लेकिन हमदान की वजह से मुझे एक बार फिर आना पड़ा। और अब मैं आई हूं तो दिल साफ करके आई हूं। क्या बात है पाजी, बताइए तो सही। हमदान की ख्वाहिश है कि तुम मारिश्मा का हाथ उसके हाथ में दे। तो मेरा बेटा तुम्हारी बेटी के काबिल हो चुका है जमान। बहुत बड़ा घर ले लिया है हमने, अब वो सब कुछ है हमारे पास जिसकी ख्वाहिश कोई भी लड़की कर सकती है। जी समझ सकता हूं। तो तुम क्या जवाब है तुम्हारा? बाजी अगर आप एक दो दिन दें सोचने के लिए तो। नहीं नहीं मुझे तो जवाब अभी ही चाहिए और हाँ में ही चाहिए। ये बात तुम फोन पे कई बार कह चुकी। हाँ लेकिन सोचा था जब तुम वापस आओगे तो फिर से कहूंगी। प्लीज तुम डैड की तरफ से अपने दिल साफ कर लो। साफ कर लिया? अभी तो यहाँ तुम सबसे मिलने के लिए आए हैं, स्पेशली तुमसे। इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया हमदान। करिश्मा तुम पहले से कई ज्यादा खूबसूरत हो चुकी हो, तुम्हें पता? अंदाजा नहीं। ये कैसे हो सकता? लड़कियों को तो उनके खूबसूरत होने का एहसास आईना दिलाता रहता है। शायद ऐसा ही हो। बोलो जमाल, अब तो तुम्हारा कोई एतराज करना नहीं बनता इस रिश्ते पर। जैसे आप कहें भाजी, करिश्मा आप ही की तो बेटी। क्या वाकई तुम्हें कोई एतराज नहीं है? नहीं मुझे कोई एतराज नहीं। तो बस फिर मुझे आज ही शादी की तारीख भी दे दो, मैंने हमदान की शादी जल्द से जल्द करनी है। वो तो आपकी बात ठीक है भाजी, लेकिन मुझे एक बार करिश्मा से बात तो कर लेनी। हाँ ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो, तुम कर लो उससे बात। आप चाय पीना?